तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि आपको एक एक पिस्टन गिवन है और ये सिलेंडर गिवन है, इसमें गैस है। तो इसमें गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और वॉल्यूम वी नॉट है, और इसका जो ऊपर पिस्टन है उसका वेट एम जी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है। अब क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। तो इसका खुद का वेट एम जी है, ऊपर से भी एटमोस्फेरिक लग रहा है, नीचे से एयर जो जो गैस है वो प्रेशर पी नॉट लगा रही है। इक्विलिब्रियम है तो नीचे और ऊपर की फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड बाय ईच अदर। तो ऊपर से क्या फोर्स लग रही है, ऊपर से जो फोर्स लग रही है वो लग रही है पी एटमोस्फेरिक इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया। नीचे से क्या फोर्स लग रही है, पी नॉट इंटू ए, और ऊपर से एक और फोर्स लग रही है कितनी, एम जी। तो दो नीचे की फोर्सेज हैं, कौन कौन सी, पी एटमोस्फेरिक एरिया और एम जी, और ऊपर एयर क्या फोर्स या गैस क्या फोर्स लगा रही है, पी नॉट इंटू ए। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, ये इक्विलिब्रियम है। अब मैंने क्या किया, मैं गया और मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया। x नीचे पिस्टन डिस्प्लेस करने का मतलब इसमें वॉल्यूम कितना कवर हो रहा है, एरिया इनटू x। तो इतना वॉल्यूम नीचे चला गया, कंप्रेस कर दिया। अब जब आप ऐसा करोगे तो एयर या गैस जो भी अंदर होगी इसे उठा के ऊपर फेंकेगी, क्योंकि आप जबरदस्ती दबा रहे हो तो ये ऊपर फेंकेगी, तो क्या लगाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इस केस में अब जैसे ही आपने इसको कंप्रेस किया तो प्रेशर पी नॉट से पी हो गया, वॉल्यूम वी नॉट से वी हो गया, दोनों चीजें चेंज हो गई, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी दोनों चेंज हो गए। ठीक, तो अब इस केस में जैसे ही आपने इसको नीचे किया अब क्या होगा, अब ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब ऊपर की फोर्स बड़ी और नीचे की फोर्स छोटी है। तो ऊपर की फोर्स है कितनी, प्रेशर इंटू एरिया, नीचे की कितनी है, एम जी, और साथ में कितनी, पी एटमोस्फेरिक इंटू एरिया। तो ये देखो जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऊपर की फोर्स, ये ऊपर की फोर्स है माइनस नीचे की फोर्स, और नीचे की जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, ऊपर की फोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि पी इंटू ए, और ऊपर से फोर्स क्या लग रही है, पी एटमोस्फेरिक ए प्लस कितनी, एम जी, और यही एक्ट करेगी रिस्टोरिंग फोर्स। तो पहला स्टेप समझ में आया कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगी, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगी ऊपर की फोर्स जो भी एक्ट करेगी पी इंटू ए, और नीचे की जो फोर्सेज एक्ट करेंगी पी एटमोस्फेरिक इंटू ए प्लस कितना, एम जी। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो इसमें क्या एड करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो और उसने ये कहा ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल कंडीशंस पे हुआ। तो अगर आइसोथर्मल हुआ तो पी नॉट वी नॉट पी वी के इक्वल है, जब ये केस नंबर वन इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना ली, और फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट की ये रही, इसको ओपन करो तो ये इक्वेशन बनेगी एम ए की। इस पूरे की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, पी नॉट ए पुट कर लिया, तो ए कॉमन आ गया तो ये एम ए आ गया, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गई। अब क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो पी नॉट वी नॉट किसके इक्वल है, पी इंटू वी के इक्वल है। अब नया वॉल्यूम क्या है, जो पुराना वॉल्यूम है उसमें ए एक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि ए एक्स मैंने दबा दिया। तो यहाँ से वी नॉट कॉमन आ गया, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, सॉल्व करके आपके पास ये पी नॉट की वैल्यू आ गई, पी नॉट और पी की वैल्यू से पी की वैल्यू आ गई, फाइनल प्रेशर आ गया जब ये ऊपर गया रेज़ टू पावर माइनस वन, और फिर बाइनोमियल लग के माइनस वन प्लस हो गया, ये फाइनल प्रेशर आ गया। प्रोसेस क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स अब निकाल चुके हैं, पी की वैल्यू जो भी आपने यहाँ से निकाली इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दिया, फिर पी नॉट बाहर आ गया, ओपन किया, ओपन करके अपने आप एस एच एम की इक्वेशन आ गई, कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ गया, वहाँ से टू पाई बाई टी से टी कैन बी कैलकुलेटेड। मेन जो बाकी दो कैलकुलेशन है इसमें कुछ नहीं है, मेन जो स्टेप है इसमें वो है फाइंडिंग रिस्टोरिंग फोर्स, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और पी जो ये जो वॉल्यूम है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पुराने ये उन टाइप ये उस साल का पेपर है जब थोड़े से पेपर ऑफलाइन मुश्किल भी बना करते थे, आजकल नहीं ऐसे क्वेश्चन आ रहे, बट ये एक बार आया, फिर अगले साल मेन में फिर एक सेम क्वेश्चन आया, पर इस बार जो प्रोसेस उन्होंने दिया वो आइसोथर्मल नहीं दिया, इस बार क्या कर दिया, एडियाबैटिक कर दिया। तो फिर से ये मेडिकल वालों के लिए नहीं है, मैं फिर कहूंगा नहीं एनसीईआरटी के लिए है। तो मेंस में पुराने साल के पेपर में ये मिलेगा, और आप डाउट के फॉर्म में भी ला सकते हो अगर मैंने ये नहीं करवाया। तो आप ये देखोगे एडियाबैटिक में एक ही चेंज है, वो क्या, पी नॉट वी नॉट गामा इज पी वी गामा, बस। बाकी ये इक्वेशन भी सेम है, इसमें ये इक्वेशन भी सेम है, ये इक्वेशन भी सेम है, ये इक्वेशन चेंज है, और वी की जगह वी नॉट माइनस एक्स। तो अगेन यहाँ से वी नॉट कॉमन आ गया, रादर वी नॉट रेज टू पावर गामा कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ से वी नॉट गामा कॉमन,
कैंसल, यहां से पी की वैल्यू निकाल ली और ऊपर लेके जाके फिर बाइनोमियल लगा दी, पहले माइनस वन था इस बार माइनस गामा है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पी की जगह वैल्यू पुट करो, ओपन करो, ओपन करके एसएचएम की इक्वेशन तैयार हो जाएगी, फिर कंपेयर करके फिर ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा कैन बी कैलकुलेटेड। बट इन एनी केस अगर आप दो बार इन क्वेश्चन को करें और ध्यान से देखें, स्टेप्स एकदम रिपीट है, कोई मर्जी प्रोसेस आ जाए स्टेप वही रहेगा, तो ये थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम है जिसमें एसएचएम अप्लाई किया गया। क्या आइडिया क्लियर है? तो मतलब बाकी तो देखो मैथ्स है मेन, तो पहली दो इक्वेशंस ही है हाउ टू कैलकुलेट रिस्टोरिंग फोर्स, बाकी बाइनोमियल वगैरह तो मैथ्स में आप यूज करते ही हैं तो मेडिकल में आएगा नहीं, तो बस ये इस तरीके की ये प्रॉब्लम है। ऐसी एक दो और प्रॉब्लम है इसी शीट में, ये तुमने करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज ये एक अलग सी प्रॉब्लम है, ये भी आती नहीं है, मैंने आती देखी नहीं है इसे, पर किताब के अंदर ऐसे एक दो क्वेश्चन गिवन है वो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में कहूंगा नहीं मैं ये है, ठीक, नॉट फॉर एनसीईआरटी, अगेन नॉट फॉर मेडिकल भी करना है तो कर लो, मेडिकल वाले बस डायरेक्ट फॉर्मूला देख लें एंड का तो भी सफिशियंट है। वो कहता है एक अर्थ है और एक पेंडुलम है, पेंडुलम कितना बड़ा है, पेंडुलम बहुत बड़ा है, कितना बड़ा, एल इतना बड़ा है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये तो हो नहीं सकता, रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर और पेंडुलम तो 1 मीटर का है, तो क्या मजाल है कि 6400 किलोमीटर का कंपैरिजन में 1 मीटर से कर दें, नहीं हो सकता, तो लेंथ काफी बड़ी है, तो ये पेंडुलम की लेंथ है, ये रेडियस है, तो सोचो टोटल लेंथ क्या है, एल प्लस आर, तो लॉन्ग पेंडुलम्स हैं, तो ये पेंडुलम इधर मुड़ा एट एन एंगल ऑफ थीटा, इसका टाइम पीरियड निकालना है लॉन्ग पेंडुलम्स का जिसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, तो अगर ये थीटा और ये मान लो एंगल इसने कितना बनाया सेंटर पे अल्फा, इस मास को कौन खींचेगा, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ खींच रही है बाय वेट ऑफ एमजी, बस एक ही ज्योमेट्री है इसमें, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये थीटा ये अल्फा तो इस ट्राइंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है थीटा प्लस अल्फा, तो एमजी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे एमजी कॉस एमजी साइन, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या बनेगी, माइनस एमजी साइन थीटा प्लस अल्फा। नॉर्मल पेंडुलम में अल्फा नहीं होता, नॉर्मल पेंडुलम में अल्फा जीरो होता है, ना मात्र होता है, हम लेते नहीं, तो अल्फा जीरो करके नॉर्मल पेंडुलम में माइनस एमजी साइन थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है, इसमें थीटा प्लस अल्फा है, तो एंगल क्योंकि छोटे हैं तो आप थीटा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, थीटा और अल्फा, और उसी तरीके से थीटा की वैल्यू एक्स बाय एल, कैसे, थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल और अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर, तो एक ट्राइंगल ऊपर लिया एक ट्राइंगल नीचे लिया, एक्स कॉमन आ गया, एसएचएम की इक्वेशन आ गई, कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा से टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा का फॉर्मूला अगर मेडिकल वालों को मार्क करने को हो जाए तो बस एक बॉक्स में डाल लें, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन मेडिकल वाले भी अगर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इसमें इस टाइप की और नई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो आंसर सीधा मार्क कर देना, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आती थोड़ी कम ही है। हाँ, ये प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, हमने एक प्रॉब्लम की, आज हम डैम्पिंग भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए भी, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में से अभी इसके बाद करने वाले इस क्वेश्चन के बाद, और उसके बाद डैम्पिंग के अंदर कुछ जो जो मेंस और नीट के अंदर प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको करवाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो लास्ट टॉपिक है एसएचएम हमारा, तो हमने एक टॉपिक किया था एनसीईआरटी में जिसमें ये ट्यूब है, ट्यूब में लिक्विड की हाइट एच है, मैंने इसको दबाया था नीचे वाई, तो ये वाई डिस्टेंस ऊपर आया था, तो हमने कहा था रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट 2y, ये हमारी बात हुई थी। इसने क्या किया, ये ट्यूब ही टेढ़ी कर दी, वो कहता है यू ट्यूब नहीं है वी ट्यूब है ये रही, तो ट्यूब की शेप चेंज कर दी। अब वो कहता है कि ट्यूब की शेप चेंज की, पहले लिक्विड यहां यहां तक था बराबर था, तो इसने प्रेस किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, जब एक्स यहां से प्रेस हुआ तो एक्स लिक्विड वहां से ऊपर चढ़ गया, तो इसको छोड़ दिया, तो टाइम पीरियड निकालो क्या होगा, क्वेश्चन सेम है अगेन। तो इसमें एक ही स्टेप है, वो क्या, हमें आदत है सीधी ट्यूब में काम करने की, ये वाली वर्टिकल, ये टेढ़ी दे रहा है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अगर ये x, जैसे मान लो अगर ये x है तो हम ऐसा कर सकते हैं, और ये थीटा टू क्वेश्चन में गिवन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा टू, ये एंगल थीटा टू, ये x है तो ये h क्या हो जाएगा x साइन थीटा टू, ये हाइट आपने वर्टिकल निकाल दी। उसी तरीके से इस ट्राइंगल में ये x है, ये थीटा वन है, तो ये हाइट आ जाएगी कितनी x साइन थीटा वन, तो अगर ये x sin थीटा 1 है तो ये भी x sin थीटा 1, तो ये लो, तो आपके पास टोटल हाइट, क्योंकि इसके ऊपर जो भी लिक्विड होगा वो उसका जो वेट है वो क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, तो वेट जो है वो इस इतने लिक्विड का निकलेगा, तो इतने लिक्विड के लिए हमने क्या किया, हमने टोटल हाइट निकाल ली जो कि इसके इक्वल आ गई। अब रिस्टोरिंग फोर्स वही है, एरिया इंटू हाइट, जो भी वॉल्यूम बनेगा इंटू डेंसिटी इंटू जी,
वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसलिए वर्टिकल हाइट हमने इसमें कंसिडर की है। तो हाइट को पुट किया, हाइट को पुट करके यहां से एक्स जो है वो साइड पे आ गया, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन एस एच एम, कंपेयर करके ओमेगा आंसर आ गया। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपको किसी ना किसी डीसी पांडे या किसी ना किसी बुक में जरूर मिलेगी, तो इसलिए मैंने करवा दिया, नहीं तो आप डाउट्स की फॉर्म में ला सकते हो। बाकी इसमें बहुत सारे और भी लेवल्स हैं, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि पुराने ईयर साल के पेपर है, तो जब आप प्रिंट आउट लेके जाएंगे उसमें पेपर्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप खुद पहले ट्राई कर लेना। ठीक, तो इस शीट में इतना ही सफिशियंट है। अब जो नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है वो है डैम्पिंग, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है।